सुबह का टाइम हो चुका, बहन झाड़ू लगा रही है। वेलकम टू बैक माई न्यू वीडियो। और सुबह का टाइम हो चुका है तो गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हम भी अपने घर पे मस्त बढ़िया हैं और मॉर्निंग के सारे काम हो रहे हैं। बाहर झाड़ू लग रही है, मम्मी जानवरों तक का ये सब साफ़ कर रही है, जानवरों तक चारा वगैरह सब करना है। और जानवर में एक गाय है और एक भैंस है जो मैं तो मिल रहे हैं अब आपको किचन में। तो प्याज टमाटर वगैरह सब काट लिया है, फिर आलू को मैश कर लिया है, मैश करने के बाद लहसुन और सारे मसाले मिला दे रहे हैं जो आलू या कचौड़ी में पड़ते हैं, आलू वाली कचौड़ी में या उसमें पड़ते हैं। तो फिर अब ब्रेड पे सॉस लगा के बना रहे हैं अपने बढ़िया आलू वाले सैंडविच। तो घी में इनको स्लो फ्राई कर लेंगे, तो इस तरीके से तवे वाले बने हैं सैंडविच, जिनको तवे पे पका ले रहे हैं और चाय के साथ इनको एंजॉय करेंगे। आप भी अपने घर पे बनाइए, सबको खिलाइए, मस्त सिंपल सा रहता है। और अनुज आज इसको लंच में भी ले जा रहे हैं ये सैंडविच, तो वो कह रहा है मुझे खाना नहीं खाना। इधर चाय बन रही है, उधर मेरे सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं, फिर मैं और मम्मी सब लोग साथ में खा रहे हैं। फिर खाना ना खाने के बाद दोपहर का खाना बना है। अब फ्री हुए हैं तो क्रीम पाउडर कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है। अब ब्लैक कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद ही पढ़ाई चालू कर पाएंगे, क्योंकि अभी लंच नहीं किया, नाश्ता कर चुके थे, वही नाश्ता करने के बाद में अब पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। सबसे फ्री हो गए हैं, चेहरे को साफ भी कर लिया है, तो खाना बनाने के बाद चेहरे पे जो खाने से ऑयल जग जाता है, डस्ट जाती है। विदाउट शुगर की कॉफी बनाई है ना, इसमें मिल्क है, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। पता इतना सब क्यों कर रहे हैं मोटे होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेट पड़ता है, खाते कम है फिर भी पता नहीं क्यों मेरा इतना फेट पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत 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 परेशान। पहले मुझे ये मेरा चश्मा मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ये चश्मा अच्छा लगने लगा है। बहुत लोग इस पे कमेंट करते थे, मतलब घर के लोग, वीडियो में नहीं। और अब ये चश्मा मुझे अच्छा लगता है। फाइनली मैं पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि आंखों की रोशनी खराब ना हो काफ़ी देर मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है, और इसलिए सब तो विराजमान हो गए हैं, टेबल भी विराजमान हो गई, मोबाइल भी विराजमान हो गया है, और बस मैं ही बची हूँ यहाँ पीछे बैठने को। बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद और कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट दिखाएं। फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी बहुत खुपक जैसी आती थी, पर अब ना ये टेस्ट भी अच्छा लगने लगा है। अब ऐसा रहता, और जब पहली बार पी थी कर गए थे, बहुत गंदा टेस्ट लगा था। और पहली बार मैंने ब्लैक कॉफ़ी लखनऊ में पी थी। बाबा को शाम के टाइम जिसमें बनने जा रहा है लिट्टी और चोखा, तो मैंने बैंगन और आलू को अच्छे से भून लिया, इधर दाल बनने को रख दी है टमाटर डाल के दाल में, और दाल फ्राई करने के लिए ये सब रख लिया। तब तक इधर मेरे आलू बैंगन टमाटर सब भून के तैयार हो गए, पानी में भिगो दिया, जब तक इनकी जो राख लगी है वो छूट जाएगी, तब तक इधर पारो आटा लगा ले रही हैं, अजवाइन नमक हींग ऑयल डाल के टाइट टाइट आटा गूँथ लिया और इनको सील लिया। तब तक उधर आग मेरी बन के तैयार हो गए, तो हम सब ने मिल के लिट्टी बना ली है, फिर सिकाई कर दी है इनको आँच पे, तो सेकने के बाद में बहुत अच्छा इनका टेस्ट आया था, सबको बहुत अच्छी लगी थी। और मम्मी इधर भरता बना ले रही हैं, मम्मी भरते में ऑयल कच्चा पड़ेगा और मम्मी का मैजिक मसाला पड़ेगा जो मम्मी ने बना के रखा है, और बहुत मस्त बनी थी लिट्टी। और इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप सब भी अपने घर पे बनाइए और इन्जॉय करिए। इधर फ्राई हो चुकी है, पापा मम्मी बैठ के तब तक चाय पी रहे हैं, और ये बाटी भी पक चुकी है जिनको कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छे से, और ये दाल बाटी चोखा। तो ये है डिनर, सिंपल सा खाना आज का टेस्टी हो गया। उसके बाद ये चूल्हे वाला काम कर ले रहे हैं, जो राख जमा हुई है लिट्टी चोखा बाटी बनाने में, तो उसको साफ कर ले रहे हैं।
बहुत मोबाइल के शौकीन हो। पीने से जो बर्तन खा पी के तैयार हुए उनको साफ़ करने के बाद में, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।